वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यूज़ स्टोरी लेके और आपने पढ़ लिया होगा मैरिज बिटवीन एनिमीज। और गाइस आप सोचे होंगे कि ये मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, पिछली स्टोरीज तो मैंने कंप्लीट ही नहीं, एक और लेके आ गई। वेल गाइस इसकी एक रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा वैलिड रीज़न है, वो ये है कि मुझे ना स्टोरीज भूल जाती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के लिखूं, और मेरे पास बिल्कुल भी सचमुच में टाइम नहीं है कि मैं बैठ के लिखूं या कोई थोड़ा सा भी पार्ट लिखूं जैसे मुझे स्टोरी याद रह जाए। इसलिए ना मैं ना थोड़े थोड़े पार्ट अपलोड कर देती हूँ, फिर से मुझे याद रहता है कि ना इस स्टोरी ये इस तरह की स्टोरी है। क्योंकि आज ही मेरे माइंड में ना यूनियन स्टोरी के लिए ना एक न्यू आइडिया आया है, तो मैं ना सोचा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। बिकॉज अगर मैंने इसके भी 2-3 पार्ट्स अपलोड कर दिए तो मुझे पता होगा ये इस टाइप की स्टोरी है, इस तरह की है। वरना अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना मेरे पीछे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कुछ स्टोरीज बहुत ही अमेजिंग सोची थी, जिस तरह की ना कोई भी नहीं होंगी। दो एक मेट्स वाली सोची थी और एक और थी मेट्स, तो मैंने ना थोड़ा सा पार्ट लिख लिया था उस पर तो मुझे याद रह गई थी। उसके अलावा एक और स्टोरी बहुत अच्छी थी, वो भी मुझे भूल गई, तो इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये, और आप बुरा ना मानिएगा। मैंने आपको बहुत ही बड़ी रीज़न मैंने आपको बता दी कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस तरह, और मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिला, घर में कोई नहीं है, तो अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आपको मेरे ना चूड़ियों की आवाज़ आ सकती है, बिकॉज मैंने चूड़ियाँ पहनी और मैं उतारने वाली हूँ, उतार दी तो मैं भूल जाऊँगी। और मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मा ने इतनी मुश्किल से लेके दी है, लेकिन नहीं देती, मुझे कहती ना पहना करो चूड़ियाँ। अच्छा छोड़े, मैंने स्टोरी की स्टार्टिंग है, मैंने आपको वैलिड रीज़न बता दिया, तो प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा। स्टार्टिंग होती है, हम सीन देखते हैं कि जो जिमिन है वो अपनी आईज को ना बिल्कुल नीचे झुका के खड़ा हुआ है, और उसके सामने युंगी है जो उसको ना घूर के देख रहा है, और ना बिल्कुल जो जिमिन है उसका ना रो रो के ना हाल बहुत ज़्यादा बुरा हुआ हुआ है, और वो ना जिस आउटफिट में खड़ा हुआ तो साफ पता चल रहा है कि वो अपने ना वेडिंग आउटफिट में, आज ही उसकी वेडिंग हुई है और रात के 2 बज रही हैं, तो ना जो युंगी है वो ना जिमिन को ऐसे घूर के देख रहा होता है, बस घूर के देख रहा होता है। और जो जिमिन था वो उसके ना जो उसके स्टेयर्स उस पर पड़े थे उसको ना थोड़ा अजीब फील हो रहा था उसके अंदर था। कुछ टाइम पहले तक, मीन्स ये 10 आवर्स तक भी पहले तक उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, बहुत ज़्यादा ईगो था, और बहुत सारे इमोशंस थे जिससे वो ना युंगी को आराम से फेस कर सकता, उससे फाइट कर सकता था। बट अब जो कुछ वो उन्हीं 10 आवर्स में कुछ जो कुछ भी हुआ, तो अब जिविन बिल्कुल भी युंगी के आगे बोल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसके खिलाफ। तो बिल्कुल अब वो ना खड़ा हुआ, वो सोचे ये क्या क्या हो गया, ये उसने ऐसा तो नहीं सोचा था, तो ये सब कैसे हो गया और ये क्या क्यों हुआ। तो जो युंगी तो बस ना जिविन को ही घूर के देख रहा होता है, और फिर उसके पास जाता है, उसकी चेन को ना हार्शली पकड़ता है और फिर अपनी तरफ ना टर्न कर देता है। और जो फिर उसके पास जो जिविन होता है वो ना युंगी की आइज में देखने लगता है, और युंगी की आइज में ना सिर्फ प्योर हेट और लव, लव नहीं सॉरी प्योर हेट और ना वो था एंगर था, सिर्फ और सिर्फ एंगर और पेन हेट। तो फिर ना वो ना उसको दिख रहा होता जिमिन को। और गाइस मैं 2 मिनट सिंक कट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दोबारा से कुछ बातें बतानी है। तो वो ये है कि तो बात मैंने आपसे ये पूछनी थी कि ना मैं एक और चैनल बनाऊँ जिसमें ना मैं ना इस तरह की पेनफुल लव स्टोरीज शेयर किया करूँगी, यूनमिन की, सिर्फ यूनमिन की होगी। और इस चैनल पे ना मैं ना ऐसे लवी डवी वाली एक्सप्लेन किया करूँगी, तो ना इसमें मैंने कम्युनिटी पोल में आपसे पूछूँगी, तो आप मुझे ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। और एक और चीज़ मैंने बोली थी, मुझे भूल गया,
अगर बीच में याद आ गया तो आप माइंड ना कीजिएगा, मैं बोल दूंगी। और एक और बात है, उसके लिए आई एम सो सॉरी जब मैं बीच में ना वीडियो के बीच में शाउट करती हूँ और बीच में कट कर देती हूँ, आई एम सो 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 सॉरी। और फिर से स्टार्ट करती हूँ, मैं भूल गई। अच्छा कहाँ पे थे, याद आ गया कि यूंगी की आईज में ना हेट और ना एंगर था जिमिन के लिए, और जिमिन के आईज में ना सिर्फ और सिर्फ टीयर्स और पेन था। टीयर्स, पेन, सैडनेस, हर तरह के ना जो सैड वो थे ना के सैड इमोशंस उसकी आईज में थे, और बहुत ज़्यादा टीयर्स भी थे जो आना कंटिन्यूसली फॉल हो रहे थे। उसका फेस फुल रो रो के रेड हुआ था, उसकी आईज स्वेलन हुई थी, और ना वो सिर्फ यूंगी की तरफ देख रहा था बिल्कुल ब्लैंकली। तो फिर ना जो यूंगी था वो उसकी फेस की तरफ जब देखता है ना तो उसके फेस पे ना जैसे कोई सेटिस्फैक्शन आ गई, और फिर ना उसके फेस को जैसे उसने टाइटली पकड़ा था तो उससे ना जीवन को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, तो उसकी आईज से ना और ज़्यादा टीयर्स निकलने लग गए थे, और वो ना बस जीवन ना यूंगी की तरफ ही बस ऐसे देख रहा था बिल्कुल ना हेल्पलेसली। तो फिर ना यूंगी उसकी तरफ देख के ना एक ना डार्क स्मिक करते, और फिर कहते कि ना पार्क जीवन देखो तुम कहाँ पे हो, हाँ तुम मेरे पास हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, सुन रहे हो, तुम मेरे पेंशन में, तुम मेरी प्रॉपर्टी बन चुके हो। वो कहाँ है मुझे याद नहीं आ रहा, वो कौन जीवन था जो कहता था मैं यूंगी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मुझे तुम्हारे टच से नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है, तुम इतने घटिया हो और पता नहीं क्या क्या इतनी बातें बोलते थे, हमेशा ये दिखाते थे कि तुम मुझसे बेटर हो, तुम वो हो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो जो किसी और के बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारे लिए ना वो नहीं कर सकता क्योंकि तुम किसी के भी वो नहीं हो।